तो बेन 10 के एक और मूवी का ब्रेकडाउन आ गया। हाँ वैसे रिबूट का है तो काम चला लेना, बाकी यार अल्टीमेट एलियन सीजन 4 का ब्रेकडाउन अभी नवंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा और फिर रुकेगा नहीं, देखना। तो मूवी का नाम है बेन 10। एक्चुअली ये बेन 10 रिबूट के सीजन 5 का एपिसोड्स है जिन्हें क्रिएटर्स कोलैप्स करके 3 स्पेशल मूवी बना दिए हैं। तो आओ उनमें से एक मूवी को हम लोग ब्रेकडाउन करते हैं जिसका नाम है बेन 10। मतलब इस मूवी के स्टोरी का शॉर्ट समरी तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, एम करते हैं 1000 लाइक का, आई थिंक पूरा कर दोगे। बाकी जो इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो, जल्दी करो। तो अब आओ चलते हैं मूवी में और स्टार्ट करते हैं ब्रेकडाउन। तो स्टार्टिंग में एक हैप्पी फैमिली को दिखाया जाता है जो मार्शमेलो पका रहे थे, बट तभी वहां बेन का एंट्री होता है एज हीट ब्लास्ट। नहीं मैं हीट ब्लास्ट हूँ पर। और तुम्हें क्या लग रहा है बेन फालतू का एलियन बना है ना? बेन एक शैतानी पेड़ से फाइट कर रहा था और अब वो उस पेड़ को बिना सुखाए ही भून दिया, बट तब पार्क में आग लगने वाली थी, मगर ग्रैंडपा ग्वेन के रहते हुए कैसे कुछ हो सकता है। और फिर ग्रैंडपा बताते हैं कि आसपास अमेजिंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जिन्हें खरोंच तक नहीं आने चाहिए, लेकिन तब तक वहां हेक्स आ जाता है एंड हमें पता चलता है कि वो पेड़ ऐसे ही शैतान नहीं बने थे बल्कि हेक्स ने ऐसा किया था और अब वो यहां आकर बेन से फाइट करने वाला था, मगर पेड़ों को म्यूटेट करके, बिकॉज ओरिजिनल सीरीज 2005 में ही वो बुढ़ापे का शिकार हो गया था और अब तो 15 साल बीत चुके हैं, अब तो कैसा हो गया होगा सोचो तुम्हें। तो वो अपने बांसुरी के हेल्प से वहां के सारे ट्रीज को म्यूटेट करके बेन पर छोड़ दिया, मगर तब ग्वेन और बेन हैक्स से वो बांसुरी को छीन कर उसे जला दिया जिससे सारे ट्रीज नॉर्मल हो गए। फिर क्या, हैक्स अपना मुंह लेके वहां से भाग गया, बट जाते जाते वही सब डायलॉग बोला कि वो वापस आएगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन इस बार वो सौगंध भी खा लिया था। लेकिन बेन उसे बिल्कुल भी सीरियस ना लेते हुए, अगर भूख लगी है तो जाकर वड़ा पाव क्यों नहीं खाते। फिर जब बेन वापस से ट्रांसफॉर्म हुआ तो बात छिड़ गया कि समर वेकेशन खत्म होने वाला है एंड अब स्कूल जाना है, और तुम्हें तो पता ही है बेन का और स्कूल का कौन सा आंकड़ा है। इन सिंपल वे बेन स्कूल ही नहीं जाना चाहता था एंड अब तो और, क्योंकि पूरे समर वो विलन से फाइट किया एंड अब उसे इसमें ही मजा आने लगा था। तो बेन उनसे बोला कि अभी तो छुट्टियां स्टार्ट भी नहीं हुई, तब इस पर ग्वेन बेन को सारे एडवेंचर गिनाती है, विलगैक से फाइट, ओमनीट्रिक्स के अंदर इटली घूमे, दुनिया को बचाए, बट ऐसे ऐसे बात आगे जाने लगा तो बेन उनसे गुस्सा होकर जंगल की ओर निकल गया। लेकिन तब हमें पता चला कि बेन पर कोई नजर गड़ाया है, फिर उधर बेन को भूख की वजह से सैंडविच उससे बात करने लगा। एंड यहाँ पर ये आँख, ये एनिमेटेड नहीं है तो आई एम नॉट श्योर कि ये क्रिएटर किए हैं या फिर फैंस, अगर तुम्हें पता है तो कमेंट में बताओ। बाकी फिर बेन उस सैंडविच को खाने ही जा रहा था कि हाँ वो वही था जो बेन पर नजर रखा था एंड वो और कोई नहीं बल्कि अपना जनरेटर रैक्स था और साथ में बोबो, वो दोनों प्रोविडेंस से भाग रहे थे और भागते भागते यहाँ तक पहुँच गए। हाँ यहाँ पर बेन और रैक्स एक ही वर्ल्ड में हैं। यही रिबूट है बचवा, यहाँ कुछ हो सकता है। ये छोड़ो स्टोरी पर आओ, तो बेन का सैंडविच लेकर वो लोग भाग रहे थे बिकॉज उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो दोनों भाग कर एक जगह पर रुके जहाँ वो उस ब्रेड का दो हिस्सा करके उसे खा लिए, मगर अपना बेन किसी से कम है के। यस बेन कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होके उनके पास आ चुका था एंड वो बेन को ईवो समझ रहे थे। ये तो कोई ईवो है, अब हम क्या करें? तो अब बेन उन्हें दौड़ाकर पकड़ ही लिया और बेन के सैंडविच पर पूछने पर वो बोले कि वो उसे खा लिए और उस पर बेन को गुस्सा आ गया और बेन चिल्लाया, और ये सीन देखकर अगर तुम्हें कुछ याद आया तो बताना जरूर। बाकी तब रैक्स थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर अपने हाथ को सॉर्ड में ट्रांसफॉर्म कर लिया और उसी से बेन पर हमला किया जिससे बेन, फिर वो दोनों फिर से भागने लगे और बेन भी उनका पीछा करता है, लेकिन तब बोबो रैक्स को बताता है कि वो उसके छाती पर जो निशान है उसी से वो ये सब कर पा रहा है। एक मिनट, क्या मतलब कि बोबो रैक्स से ज्यादा समझदार है? तब रैक्स रुक कर बेन को, ये तो गलत ही सीन हो गया, बट रुको अभी, रुको जरा, सबर करो। रैक्स सही सलामत बचा था एंड वो ओमनीट्रिक्स पर हाथ रखकर बेन को ठीक करना चाहा, मगर बेन ही वो था ही नहीं तो ठीक क्या वो घंटा होगा। बट अब जैसा कि तुमने सुना है हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, वैसे ही रैक्स का पावर का साइड इफेक्ट ओमनीट्रिक्स पर पड़ा जिससे उसमें कुछ ग्लिच आ गया। फिर सीन शिफ्ट होता है उस हैप्पी फैमिली पर जो फोटोज क्लिक कर रहे थे, मगर तभी वहां बेन आ गया कुछ इस तरह एंड ओमनीट्रिक्स के ग्लिच के वजह से उसमें से कुछ लाइट की वेव निकली जो कि आसपास के लोगों को लगी और खासकर उस हैप्पी फैमिली को, जिससे कि वो सब अब बेन के अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। तो उस फैमिली में एक बेबी भी थी जो बेबी ह्यूमंगस और में ट्रांसफॉर्म हो गई थी और अब वो बेन के साथ खेलना चाहती थी। तो
फिर वो फैमिली बैन को रोक कर अपने को ठीक करने के लिए पूछने लगी, मगर वो तो ओमनीट्रिक्स का ग्लिच था तो बैन इसमें हाँ क्या कर सकता है, कुछ नहीं। लेकिन तभी ओमनीट्रिक्स रिएक्ट करता है तो बैन को लगा कि वो चार्ज हो गया, लेकिन नहीं, उसमें से फिर से वही लाइट वेव निकली जिससे उस शहर के लोग को छोड़ो पूरे के पूरे अर्थ के लोग बैन के अलग अलग एजेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गए। ये सब रेक्स और बोबो देख रहे थे और तभी रेक्स बैन की मदद करने जा रहा था, मगर तब बोबो वहां मत जाओ, तुम्हें पता है ना वो यहाँ भी आ सकता है। वो मतलब प्रोविडेंस, मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो उससे भाग रहे हैं तो वो यहाँ से भी भाग गए। फिर सीन शिफ्ट होता है ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन पर, जिन्हें फील बता रहे थे कि शहर में क्या चल रहा है, और लास्ट में वो भी ट्रांसफॉर्म हो गए। और कॉल कट होने पर ग्रैंडपा और ग्वेन भी ट्रांसफॉर्म हो गए। फिर सीन जाता है बैन पर, जहाँ एक शिप आती है और उसमें से सिक्स निकलता है जो बैन को उस फैमिली से बचाता है। एंड ये इंसान ही है, जान मत दो। लेकिन फिर बैन के ओमनीट्रिक्स में से एक और बार लाइटनिंग हुआ जिससे सिक्स को पता चल गया कि इन सबका जड़ यही है। मगर जब बैन वो लड़का और बंदर बोलता है तो सिक्स और ज्यादा सीरियस हो गया और वहाँ अपने पूरे के पूरे फौज को बुला लिया, मगर तब तक बैन वहाँ से निकल गया था। लेकिन तब सिक्स उसका पीछा करके उससे फाइट भी किया और उस फाइट में उन मॉन्यूमेंट्स को नुकसान भी पहुँच रहा था और उन दोनों के फाइट को हैक्स छुपकर देख रहा था। फिर उधर सिक्स बैन से कहता है कि प्रोविडेंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कयामत को आने से पहले ही रोकती है, एंड वो अभी ओमनीट्रिक्स जिसको वो ईगो बनाने की घड़ी समझ रहा था उसको पहले कब्जे में लेगा और उसके बाद रेक्स को। तो बैन से सिक्स फाइट कर रहा था और उधर हैक्स ऑडियंस बनकर देख रहा था। ये खटमल की तरह मेरा सारा खून चूस जाता है, इसे छोड़ना मत। फिर बैन का टाइम आउट हो गया जिससे अब वो रेक्स के हाथ लगने वाला था, मगर तब एंट्री हुआ रेक्स का जो सिर्फ और सिर्फ बैन को बचाने के लिए वापस आया था। असली विलेन है मुझे। लेकिन अभी बैन रेक्स को एनिमी समझ रहा था जबकि रेक्स उसका मदद करना चाहता था। लेकिन फिर बैन डायमंड हेड बनकर सिक्स से फाइट करने लगा, बट तब सिक्स अपने फोर्स को बुलाया जो बैन और रेक्स को पकड़ने वाली थी। लेकिन फिर वो दोनों वहां से भागने लगे बट रेक्स उनके चंगुल में फंस गया था और बैन का भी टाइम आउट हो चुका था। तो अब बैन और रेक्स चारों तरफ से फंस चुके थे, मगर तभी एंट्री हुआ हैक्स का। हाँ हैक्स का। हैक्स आकर उन आर्मीज पर अटैक करने लगा। एक मिनट, हैक्स बैन की हेल्प एक्चुअली में हैक्स उन लोगों को कंट्रोल करके दुनिया पर राज करना चाहता था जिनको ओमनीट्रिक्स एलियंस बनाया था, एंड वो उन पर कंट्रोल कर भी लिया और बैन पर अटैक करने लगा। लेकिन तब बैन रेक्स बोबो एक होकर उनसे फाइट करने लगे और रही बात प्रोविडेंस के आर्मी का तो उन्हें सारे एलियंस भगा दिए। और उसके बाद उधर बैन रेक्स बोबो भाग कर रस बकेट में गए तो वहां ग्रैंडपा ग्वेन नहीं थे। फिर बैन नेट पर देखा कि दुनिया के पूरे इंसान उसके एलियंस बन चुके हैं और बैन को भी यहीं पर पता चला कि इवोस क्या होते हैं। रेक्स लोगों पर असर डालता है तो उन्हें मॉन्स्टर में बदल देता है। और साथ में बोबो रेक्स का हिस्ट्री भी बैन के साथ शेयर किया कि उसके पेरेंट्स प्रोविडेंस के साइंटिस्ट हुआ करते थे, मगर एक एक्सपेरिमेंट के ब्लास्ट में वो मारे गए और तब से प्रोविडेंस रेक्स को खतरा मानती है बिकॉज उसके अंदर नैनाइट्स हैं। फिर बैन सभी समस्या को देखते हुए रेक्स से ओमनीट्रिक्स को ठीक करने को बोला और रेक्स ठीक करने भी जा रहा था, मगर फिर उसे अचानक पता नहीं क्या हो गया, वो वहां से भाग गया। एक्चुअली अभी रेक्स नया था और उसके पास कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो ओमनीट्रिक्स को ठीक भी कर सकता है। लड़का भी नया है बैन, उसे और थोड़ा टाइम चाहिए। एंड ये बताकर वो रेक्स के पीछे चला गया। एंड तब वहाँ बैन के पास ग्रैंडपा और ग्वेन आए जो कि एलियंस बन चुके थे और वो बैन पर अटैक कर रहे थे। तब बैन भी जेट रे में ट्रांसफॉर्म होकर उनसे बचने लगा। हाँ बचने लगा, उल्टा वार नहीं किया। इसको बोलते हैं लेकिन कब तक वो उनसे ऐसे ही बचता। एक समय ऐसा आया जब उसका टाइम आउट हो गया और वो ऐसे ही उनसे बच रहा था और ये सब रेक्स और बोबो छिपकर देख रहे थे। रेक्स बैन की हेल्प करना चाहता था मगर बोबो उसे भागने के लिए कह रहा था और तब तो हम हमेशा यूं ही भागते रहेंगे। लेकिन फिर रेक्स बैन का हेल्प करने आ ही जाता है और फिर सारे मिलकर ग्रैंडपा और ग्वेन से निपटने लगे। लेकिन फिर रेक्स बोबो ग्रैंडपा ग्वेन को चोट पहुंचाने लगे, तब बैन उन्हें समझाता है और उसी फाइट में हैक्स की नजर रेक्स के पावर पर गया जिससे वो बैन के साथ रेक्स को भी अपने एलियन से पकड़वाने लगा। फिर उधर बैन का टाइम आउट हो गया और सारे रेक्स के पीछे पड़ गए। तब बोबो बैन को पेड़ पर लाके हैक्स का हाल बताया कि उसे कुछ भी याद नहीं है, ना घर वाले ना कोई, उसे एक सच्चे दोस्त की जरूरत है। वो पहले ही घबराया हुआ है, उसे अपने घर वाले तक याद नहीं, अपना घर। लेकिन इन सब बातों का बैन पर कोई असर नहीं हुआ और वो ओमनीट्रिक्स चार्ज होने के बाद फाइट करने चला गया। अब तक वहाँ फिर से प्रोविडेंस आकर बैन और रेक्स को पकड़ लिए और कुछ शिप के हेल्प से पूरे अर्थ के जिंदा चीजों को तबाह करने वाले थे, मगर तब वहाँ हैक्स आकर प्रोविडेंस पर हमला करने लगा और तब तक बैन का टाइम आउट हो गया था। तो अब बैन और रेक्स वहाँ से भागने लगे और वो भाग कर एक मॉन्यूमेंट में छिप गए जहाँ सिक्स भी अपना जान बचा कर आया। और फिर वो सब एक सौदा करते हैं कि अगर बैन सबको रोक कर सब ठीक कर दिया तो सिक्स अर्थ का सफाया नहीं करेगा।
लगा और ये सिक्स मान भी लिया। और उसके बाद वहाँ हैक्स आ गया, मगर तब बेन के चालाकी से वो सारे हैक्स को उलझाए लेकिन फेल रहे। मगर तब हैक्स को आ गया गुस्सा और वो वहाँ पर रखे हाथी के स्टैचू को जिंदा कर दिया, जो अब उन पर हमला करने लगा। फिर अब सिक्स हैक्स से फाइट कर रहा था और रेक्स बेन उस हाथी से, लेकिन फिर एक सीन में रेक्स को हैक्स पकड़ लिया था और तब मेरी गलती नहीं है। इसकी पावर बढ़ रही है और उससे हैक्स वहाँ से भाग गया। तो सिक्स हैक्स के पीछे गया और ये लोग उस हाथी को ठिकाने लगा दिए। फिर बाहर सिक्स को बेन जेट रेस से बचाया एंड उसके बाद सारे मिलकर उनसे लड़ने लगे। और इसी फाइट में एक बार दम है तो मुझे पकड़ के दिखा, क्या मुंह धो तेरा, धुल गया मुंह। अच्छा। उधर रेक्स अपने पावर्स के बारे में नई नई चीजें सीख रहा था, तो सिक्स अभी तक हैक्स से फाइट कर रहा था। लेकिन फिर बेन रेक्स से एक और बार ओमनीट्रिक्स को ठीक करने को बोला, लेकिन रेक्स नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि हालात इससे भी बदतर हो सकता है। मगर जब सारे रेक्स को एक बार समझाए तो वो ट्राई करता है। उसने बेन के कहने पर डीएनए को रिवर्स कर दिया, जिससे अर्थ के सभी लोग वापस से इंसान बन गए। और उसके बाद रेक्स का फिर से जो समझना समझो, फिर सब नॉर्मल हो गया। बट उसके बावजूद भी एक प्रॉब्लम था, वो भी बहुत बड़ा वाला। लेकिन मिसल फायर हो चुकी है सर, मैं कुछ मदद करूं। लेकिन रेक्स उसे उतना बड़ा प्रॉब्लम बनने नहीं दिया जितना बड़ा वो था। हाँ, रेक्स उस मिसाइल को रोक लिया। और उधर बेन रेक्स में ट्रांसफॉर्म होकर हैक्स से पूरे जोर शोर में लड़ रहा था, और साथ में हैक्स भी इस बार हाइपर हो गया था। लेकिन अभी हैक्स का जो हाल होने वाला था ना, वो बहुत बुरा था, क्योंकि अब रेक्स भी उधर से खाली हो गया था और ये बेन के साथ मिलकर हैक्स, अब खुद ही देख लो तुम। मतलब रेक्स और बेन दोनों मिलकर हैक्स को बहुत बुरी तरह से हराते हैं। एंड लास्ट में वो फिर अरेस्ट भी हो गया। फिर उसके बाद रेक्स अभी हमें पकड़ना है सिक्स। लेकिन फिर सिक्स रेक्स का आज का कारनामा देखकर उसे 5 मिनट का टाइम दिए भागने के लिए और बोले कि अब अपने पावर पर कंट्रोल करना। तब वो अब कर भी रहा था काफी हद तक। फिर वो लोग भागने लगे, बट रास्ते में उन्हें बेन दिखा जो रस बकेट में था, तो वो दोनों एक दूसरे को बाय कर अपने अपने रास्ते पर चले गए। बट अब रेक्स की वजह से बेन को फैमिली का मतलब समझ आया और वो ग्रैंडपा गोएन से बोला, अब हीरोगिरी के बाद स्कूल जरूर जाऊंगा, प्रॉमिस। और इसी के साथ इस मूवी का डी एंड होता है। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि ये मूवी तुम लोग को कैसा लगा कमेंट में। और रही बात इस वीडियो को लाइक करने की, तो 1000 लाइक ये में पूरा कर देना एंड सब्सक्राइब यार। 79% व्यूवर्स ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। तो यस, मेरा आवाज थोड़ा सा चेंज लग रहा है, आई नो, बिकॉज मेरा गला फट गया है। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा वीडियो मैं फिर से रिकॉर्ड किया हूँ, बिकॉज मैंने इससे भी अच्छा वाला किया था लेकिन वो डिलीट हो गया मुझसे, बाई मिस्टेक मुझसे डिलीट हो गया यार। सच में वो वाला इससे कई गुना ज्यादा बेटर था। बाकी एक बार फिर बता देता हूँ कि अल्टीमेट एलियन के बाकी सीजन ब्रेकडाउन नवंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे और फिर रुकेंगे नहीं। तो आप कमेंट में कोई नहीं बोलेगा कि अल्टीमेट एलियन का सीजन 4 का ब्रेकडाउन करो, हो रहा है ना। हाँ, तो बस ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, बाय।